22 लाख का मछली फ्रेंड यहाँ पे दह गया है लगभग लगभग। ये भाई का ही एक यहाँ पे तालाब था, पोखरा था, इसमें मछली पालन होता था। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यहाँ से जाल यहाँ से वहाँ तक घिरा गया है। ये आप जाल देख सकते हैं यहाँ से वो जहाँ तक। I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town. I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. तो गाइस ये सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई टेक वीडियो नहीं है, ठीक है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यार मैं बहुत दिनों से मैं दिल्ली में था, मैं गांव में आया हूँ और मेरा फ्रेंड गांव में जो बिज़नेस है वो मछली का बिज़नेस होता है, ठीक है। और इस 2020 में पहले तो कोरोना ने तबाह किया, उसके बाद से ये बाढ़ गाँव में जो आया हुआ है बहुत ज़्यादा तबाही मचा दिया है। और मैं आपको दिखाऊँगा कैसे लोगों का घर भी डूब गए हैं कुछ, उसके बाद से आपका रोड पूरा जाम हो चुका है पानी से। फिर उसके बाद से मेरा जो बिज़नेस था मछली का लगभग 20 लाख का मिनिमम मैं बता रहा हूँ 20 लाख का लगभग लगभग नुकसान हो चुका है। और नुकसान तो अलग की बात है, भाई का जो तबीयत है यार काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था। आप सभी को पता है कि मैं कंटिन्यू इधर 2-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। वजह यही थी कि 2-4-5 दिन से पानी में ही इंसान खड़ा रहता था, रात दिन हो या वो जो जाल लगाना रहता है इसमें बहुत सारे इसमें काम रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मछली को बचा नहीं पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बहाव था पानी में, बहुत ही ज़्यादा तेज़ पानी बह रहा था, इसके वजह से कोई भी मछली नहीं बच पाई है। सारी मछली ख़त्म हो गई है और कहीं और जाके चली गई है। तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे कहाँ पे मेरा जो पॉन्ड था, गांव में हम लोग पोखरा बोलते हैं, ठीक है ना, पोखरा टाइप का जो होता है, तो उसमें कैसे हम लोग मछली, उसमें मछली तो उसमें है नहीं, तो दिखाऊंगा क्या उसमें, मतलब जाल मैंने हम लोगों ने बांध के रखा था तो जाल कितने प्रेशर था पानी में, बहाव था तेज़ी से, पूरा जाल को तोड़कर और सारा मछली वहाँ से भाग चुकी है। ऐसा है कि इससे ही सारे लोग डिपेंडेंट थे घर पर। और आपको पता है कि सुबह मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि रात से लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ था और अभी जस्ट लाइट हुआ है, तो मैं अभी जस्ट एडिट करना स्टार्ट किया हूँ, ठीक। तो बस आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बस प्रे कर सकते हैं तो प्रे कीजिए कि कैसे भी ये चीज़ सही हो जाए, और बाकी तो भगवान के भरोसे, अल्लाह के भरोसे, अब देखिए आगे क्या होता है। और देख सकते हैं फ्रेंड कि जहाँ तक आप टोकेगा ना वहाँ तक पानी ही पानी है, यहाँ तक कि मैं इस पार से उस पार अगर जाना होता है ना तो अब यहाँ पे एक नाव चलना स्टार्ट हो गया है, नाव इधर से इस पार से उस पार लेके जा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पर नाव, वहाँ पे बंदा वहाँ पे चढ़ा हुआ है। बाईस लाख का मछली फ्रेंड यहाँ पे दह गया है लगभग लगभग। ये भाई का ही एक यहाँ पे तालाब था, पोखरा था, इसमें मछली पालन होता था। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यहाँ से जाल यहाँ से वहाँ तक घिरा गया है। ये आप जाल देख सकते हैं यहाँ से वो जहाँ तक वो एरिया दिख रहा है ना, वो सारा एरिया, वो सारा वहाँ से पूरा इसको जाल यहाँ पे मारा गया था। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था कि ये जाल रोक नहीं पाया और यहाँ से लगभग 80 क्विंटल जो बड़ी मछली होती है, प्यासी वगैरह होती है, रोहू वगैरह जो होती है, वो सारा यहाँ से पूरा हम लोग जाल बांधे थे। आगे मैं अभी दिखाऊँगा, अभी पानी बढ़ते जा रहा है, देख सकते हैं अभी पाँव में कितना पानी हो चुका है यहाँ पर। लेकिन मैं आगे आपको मैं दिखाऊँगा कि कितना यहाँ पर पानी बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर इसका बहाव जो है फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ये सारा नदी है, यहाँ पे नहर निकला हुआ है वहाँ से, लेकिन वो भी पूरा फुल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी नाव चल रहा है, अगर आपको नज़र आता हो तो। एक्चुअल फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो को और यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में ये मछली का दाना इसमें रखा रहता था यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जाल, यहाँ पे जाल का ये सिचुएशन देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हालत हुई है जाल का। 80 क्विंटल आपका तैयार मछली थी, साउंड की वजह से निकल नहीं पाया था, लेकिन अब क्या बताऊं मैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड पानी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, जितने आगे जाएंगे लोग यहाँ पे कुछ धारा इसका जो है बहुत तेज़ है। तैरने तो आता नहीं है लेकिन फिर भी आदमी रिक्स लिया है इसमें जाने के लिए ना भाई, तैरा तो तैरे अवेलन। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड पानी का जो धारा है यहाँ पे देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा साइड से मैं दिखाऊँ आपको तब आपको समझ में आया कि कितना स्पीड यहाँ से इसका प्रेशर यहाँ पे है। एक्चुअल हुआ क्या है इस साल नहीं, हर साल यही होता है लगभग, नहर में जो पानी है बहुत कम रहता है और बाहर बाढ़ आ जाता है और गवर्नमेंट जो है कुछ कर नहीं रही है।
लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बहाव है, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिल जाएगा आपको, यहाँ पे जाल आपको देखने को मिलेगा तो थोड़ा सा यहाँ बहाव कम है, लेकिन यहाँ से जाल जो टूटा है बीच में देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर और वहाँ तक ये बीच का थोड़ा सा जाल यहाँ से टूट गया है, इसकी वजह से थोड़ा सा बहाव जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से रिस्क लेकर इस नदी को इधर से उधर पार कर रहे हैं, लेकिन नाव भी चल रहे हैं यहाँ पे, एक गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराई है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर नुकसान हो चुका है, भर गया है। जूम थोड़ा सा मैं कर कम कर लेता हूँ, अब आपको नज़र आता होगा कितना यहाँ पे पानी है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी का जो बहाव है बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पे और थोड़ा सा पानी यहाँ पे बढ़ रहा है, तो बहाव जो है फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा नुकसान के क्या बताऊँ, नुकसान इतना ज़्यादा हो गया है कि भाई थे हमारे उनको टाइफाइड हो गया, सोचते सोचते यार इतना का नुकसान। ऐसे ही दो साल पहले यहाँ पे बाढ़ आई थी तो यही हाल हुआ था, लगभग उस टाइम भी 20-22 लाख का नुकसान हुआ था और इस टाइम भी वही हाल है। छोटी छोटी मछली का तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन जो बड़ी मछली थी वो काफ़ी था। यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ तक आपका नज़र जाएगा वहाँ तक आपको पानी ही पानी लगेगा, दिखाई दे रहा होगा। अब इसके सिवा एक और पोखरा है, वो भी लगभग इसी कंडीशन में है, लेकिन बस आप सभी को प्रे करना है कि वो इस हालात से ना गुजरे, नहीं तो हो सकता है कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। मैं सोचा कि एक आप लोग वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँ कि यार वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा लेट होता है, इसी की वजह से आदमी इसी सब में परेशान रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहाव बहुत ज़्यादा तेज है, यहाँ पे सब मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है वीडियो में नजर आए। क्या मर दिया, हम लोग कहाँ उतरे हैं लो भाई, हाँ हम लोग ठीक चल रहे हैं ना। इसका पानी का यहाँ पे पानी का बहाव देख लो भाई, आपको लगता होगा बहुत ही ज़्यादा कम पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी है। हाँ यहाँ पे जो है पानी पूरा हरा हो चुका है, ये जो है ना पानी का काफ़ी दिनों से यहाँ पे बहाव हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पूरा काई पकड़ लिया जैसे देख सकते हो, और यहाँ पे सिसलन टाइप जो सिसलन होता है बहुत ही ज़्यादा सिसलन है यहाँ पे, ठीक है भाई। देखिए कितना टाइम लगता है, अभी यहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ, टाइमर भी स्टार्ट कर दिया हूँ, देखता हूँ कितना मिनट लगता है इस पार से। कितना मीटर करीब होगा भाई यहाँ पे, 400 मीटर, 400 मीटर हो, कितना मीटर है, 200-300 मीटर, और रास्ता जो है फ्रेंड आज के डेट में सारे लोग का यही रूट बन चुका है, एक ही नाव चल रहा है भाई। हाँ क्या नाम है आपका, क्या नाम है, सद्दाम हुसैन, चलो बढ़िया। अरे भाई इधर लाओ, आराम से। यहाँ पे कोई बांधने वाला है नहीं, इसलिए ना इधर उधर भागना स्टार्ट कर दे रही है। आजा, ना 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 ठीक है। मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पे भी जो हमारा पॉन्ड है, जो पोखरा जिसमें हम लोग मछली पालन करते हैं, घर का बिजनेस है एक, तो यहाँ से तो ख़त्म हो ही चुका है, जो आपको यहाँ पे दिखाया वो सारा यहाँ से मछली ही था, लेकिन सब यहाँ से पूरे कहीं कहीं और चली गई है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा संभावना कम लग रहा है उसको भी बचने का, क्योंकि वहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है, लेकिन परेशानी में भी जो ज़रूरियात चीज़ होती है वो भी करना पड़ता है। देख सकते हैं भाई को साइकिल से सवारी कर रहे हैं। I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to.
You made this mess and left me with the pieces. फ्रेंड जो पानी का जो प्रेशर है ना बहुत ज़्यादा है, अगर पैर उठाकर इंसान चल रहा है तो पूरा पैर का जो रुख होता है पूर्व के साइड यहाँ पे मुड़ जा रहा है। फ्रेंड बस यही था कि मैं सोचा कि मैं दिखा दूँ कि कितना नुकसान हो गया है, और बहुत सारे लोग जो हैं जिनका छत भी उजड़ चुका है, छत रहने के लिए नहीं है, लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो या तिरपाल टांग के वहाँ पे रुके हुए हैं, फिलहाल अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। तो फ्रेंड बस इतना ही था इस वीडियो में, अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वाला जो मेरा तालाब है आपके लिए ला दूँगा, बना दूँगा कि कैसे वहाँ पर भी परेशानी इंसान उठा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।